तूत एक, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी ने एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में एटलीस्ट एक बार। और एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि 90% ऑफ एडल्ट्स में कोई ना कोई तूत प्रॉब्लम होती ही है। इसलिए आज हम कुछ घरेलू तरीके लाए हैं जिससे आपको इंस्टेंटली टूथ पेन से रिलीफ मिल जाएगा और उसके लिए आपको हजारों रुपए डेंटिस्ट के पास भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से 8 तरीके हैं जो आपको कुछ ही मिनट में दांत के दर्द से राहत दे देगा। कोल्ड कंप्रेस, ठंडा दबाव। आइस पैक या फिर आइस क्यूब्स लेके एक पतले कपड़े में रैप कर ले और 15 मिनट के लिए जो दांत दर्द हो रहा है वहाँ पर लगा के रखे। इससे आपकी नर्व्स नम हो जाएगी। या फिर आप कुछ आइस क्यूब्स या फिर आइस पैक को अपनी चीक्स पे भी रख सकते हैं। इससे आपके दिमाग को कोल्ड सिग्नल्स मिलने लगेंगे जो कि आपके पेन के सिग्नल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इससे आपको दांत के दर्द से इंस्टेंटली राहत मिल जाएगी। पुदीना के पत्ते। पुदीना के पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसमें नर्मिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। कुछ ड्राई पुदीना के पत्ते को गर्म पानी में उबालें करीबन 20 मिनट के लिए और उस पानी से गार्गल कीजिए। ये आपको टेम्पररी रिलीफ देगा और जब भी आपको पेन वापस आए तो ये प्रोसेस को रिपीट कीजिए। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड आपके मुंह के बैक्टीरियाज को मार देता है। इसे आप माउथवॉश लिक्विड जैसे यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड में पानी मिला के गार्गल करें और इसे स्पिट आउट कर दे। गलती से भी इसे स्वॉलो मत कीजिएगा और गार्गल करने के बाद नॉर्मल पानी से अपने मुंह को 2 से 3 बार धो ले। लौंग या फिर लौंग का तेल। लौंग सिर्फ खाने को अच्छा टेस्ट करने का ही काम नहीं करता है। लौंग आपके दांत के दर्द को दूर करने में भी मदद करता है। ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसे कई सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं। लौंग तो आजकल टूथपेस्ट में भी यूज़ करते हैं और आप अपने घर पे ही दांत दर्द से राहत पाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेरू के पत्ते। पेरू के पत्तों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो ना केवल आपको दांत के दर्द से राहत देती है बल्कि आपके मुंह के अल्सर्स और स्वेलिंग गम से भी छुटकारा पाने में आपकी मदद करती है। इसे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो आप पेरू के पत्ते को अच्छे से चबा ले या फिर उसे पानी में उबाल के थोड़ा सा सी सॉल्ट ऐड करके ठंडा होने पर इसे गरारे करें। अजवाइन का तेल। अजवाइन के तेल की कुछ बूंदों को पानी में मिला के माउथ वॉश जैसे यूज़ करें और इंस्टेंटली दांत दर्द से छुटकारा पाए। गार्लिक, जिसे हिंदी में लहसुन कहते हैं। गार्लिक काफ़ी सारे मेडिसिन्स में यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और ये बैक्टीरियाज़ को भी मार देते हैं। गार्लिक को यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे पेस्ट बना के जहाँ दांत में दर्द है वहाँ पर अप्लाई करें या फिर धीरे धीरे दांत से लहसुन को चबाएं। ये प्रोसेस को कुछ दिन तक रिपीट करें जब तक आपका पेन चला ना जाए। नमक के पानी से गरारे करें। 1 चम्मच नमक को गुनगुने पानी में मिला के गरारा करें। इससे आपके दांत का दर्द तो कम होगा ही और तो और गम्स पे जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाएगी। ये एक बेहतरीन तरीका है टूथ एक कम करने का। इनफैक्ट कई सारे डेंटिस्ट ने भी ये तरीका रिकमेंड किया है। इस वीडियो में बताए गए सारे तरीके आपको टेम्पररी रिलीफ देंगे पेन से। इसके अलावा हम आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि आप एक बार डेंटिस्ट को भी दिखा दें सो दैट आपके टूथेक का रीज़न आपको पता चले और आप सही ट्रीटमेंट ले पाए। अगर आप प्रेग्नेंट है या आपको कोई हेल्थ इशू है तो प्लीज़ एक बार डेंटिस्ट से राय लेकर ही इन तरीकों को अपनाएं। अगर इसके अलावा आपके पास भी कोई और तरीके हैं टूथेक को कम करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।
ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।